हेलो एवरीवन वेलकम टू आईएफएस आई होप यू डूइंग फाइन अगर आप एक गेट एस्पिरेंट है और आप चाहते हैं कि आपकी पीएचडी आईआईटी से हो जो कि इंडिया के सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है तो उसके लिए आपको सबसे पहले स्टेप के लिए आपको अपना पेपर के सिलेबस का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना होना चाहिए तो यहां पर मैं हूं आपके लिए पेपर एनालिसिस को लेकर के इस वीडियो में आइए जानते हैं कि क्या है आपका सिलेबस गेट एक्सेल गेट एक्सामिनेशन तीन सब्जेक्ट uh, में होता है one is life sciences, another one is एक सेक्शन है बॉटनी का तो so, आज हम इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से बॉटनी का सिलेबस का एनालिसिस करते हैं तो so, आइए देखते हैं दिस इज दीडियो फॉर गेट लाइफ साइंसिस सिलेबस कंप्लीट एनालिसिस फॉर बॉटनी सब्जेक्ट सो अगर आप जब गेट का एग्जामिनेशन देते हैं तो उसके अंदर आप देखते हैं फॉर दिलेक्शन है से एक सब्जेक्ट आपका बॉटनी so, जो कि आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बॉटनी से और बॉटनी के रिलेटेड सब्जेक्ट से और तो आप इस सेक्शन को टारगेट कर सकते हो तो so, इस सेक्शन के अंदर हमारे पास में बॉटनी विच इज आपका कोड रहेगा एक्स एल आर यह रहेगा बॉटनी के लिए इसमें जो फर्स्ट सेक्शन है जहां पर हम पढ़ेंगे आपको पढ़ना होगा सिलेबस में वो होगा प्लांट सिस्टमैटिक्स सिस्टमैटिक्स एक ऐसी स्टडी है जहां पर आप स्टडी करते हैं अबाउट नॉमन क्लेचर अबाउट क्लासिफिकेशन तो यहां पर आपका जो कि जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम जैसे हम देते हैं किसी भी प्लांट स्पीशीज को तो so, वो हम पढ़ते हैं प्लांट सिस्टमेटिक्स में तो आपका फर्स्ट टॉपिक है बाइनोमियल बायनोमियलर हिस्ट्री ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी जिसमें प्लांट प्लांटी की हिस्ट्री आपको पढ़ना होगा देन डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स प्लांट की डिफरेंट डाइवर्सिटीज उनका क्लासिफिकेशन एपीजी सिस्टम एपीजी सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन देन फाइलोजेनेटिक्स एंड क्लेडिस्टिक्स और मोलिकुलर टेक्सोनॉमी और डीएनए बारकोडिंग जो कि अब रिसेंट uh, मैथड हमारे पास मेंसोनॉमी जिस में के जिसमें से सेंटर्स फॉर प्लांटोनॉमी एंड इंडिया केनाटोमी के अंदर वी स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी यहां पर हम देखते हैं एनाटोमी ऑफ रूट स्टेम लीव दे फ्लोरल ऑर्गन एम्ब्रियो एंड यंग सीडलिंग्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टम्स स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन वेस्कुलर सिस्टम एंड देयर ऑन्टोजेनी, जयलम एंड फ्लोएम स्ट्रक्चर द सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स एंड वुड एनाटोमी प्लांट सेल स्ट्रक्चर एंड डिफरेंसेस फ्रॉम एनिमल सेल्स तो ये सेक्शन है प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर का ये सभी टॉपिक्स आपको स्टडी करने होंगे देन थर्ड सेक्शन हमारे पास में प्लांट डेवलपमेंट सेल एंड टिश्यू मोर्फोजेनेसिस प्लांट डेवलपमेंट का मतलब यहां पर आप स्टडी करेंगे बेसिकली द प्लांट एम्ब्रियोलॉजी प्लांट का रिप्रोडक्शन और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट उसी के साथ साथ सेल और टिश्यू का कैसे कैसे मॉर्फोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन होता है ये चीज आप यहां पर स्टडी करेंगे सो लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल आपको पढ़नी होगी जिसमें आप पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिटोफाइट मतलब माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का डेवलपमेंट देन स्टेट एंड डिटर्मिनेशन एंड टिश्यू पैटर्निंग आप यहां पर पढ़ेंगे देन स्पेसिंग स्पेसिंग मैकेनिज्म इन ट्राइकोम्स एंड स्टोमेटा फिर embryogenesis, तो embryogenesis uh, Then, flowering, flowering Then, आप पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस तो एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर आप पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ रूट शूट एपिकल मेरिस्टम देन ट्रांजिशन टू फ्लारिंग फ्लारिंग का पार्ट पढ़ेंगे जैसे फोटो पीरियोडिज्म वर्नलाइजेशन एबीसी मॉडल ऑफ फ्लोरल ऑर्गन पैटर्निंग देन आप पढ़ेंगे पोलन डबल फर्टिलाइजेशन सीड डेवलपमेंट जाइलम एंड फ्लोएम सेल डिफ्रेंशियन देन फाइटोक्रोम साइटोक्रोम पोटोट्रोपिन रोल ऑफ ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिक एसिड एप्सिस एसिड एंड इथाइलिन एंड इन सभी का बेसिकोस्टेरॉइड्स इन सभी का प्लांट डेवलपमेंट के अंदर क्या रोल है तो बेसिकली प्लांट हॉर्मोन्स तो ये सभी पोर्शन आप पढ़ेंगे सेक्शन सी के अंदर नेक्स्ट सेक्शन पे हम आए तो सेक्शन फोर है आपका प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन द सिलेबस मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे वो इसी पार्ट से आता है अकॉर्डिंग टू आर पेपर एनालिसिस प्लांट वाटर रिलेशन यहां पर आप पढ़ेंगे प्लांट वाटर रिलेशन मैकेनिज्म ऑफ अपटेक ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स आयन एन सोल्यूट फ्रॉम सॉइल टू प्लांट्स एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट ट्रांसपोर्ट मैकेनिजम्स Mechanism of stromatal movements, stromatal movement ke mechanism, nitrogen metabolism, photosynthesis, C3C4 cycle, CAM cycle, then photorespiration, the respiration glycolysis, TCA cycle, electron transport chain, plant response and mechanisms for abiotic stress include which include drought, salinity, freezing, heat resistant, metal toxicity. Then there is role of abscisic acid in abiotic. स्ट्रेस फिर आप पढ़ेंगे ये सेक्शन कार्बोहाइड्रेट लिपिड न्यूक्लिक एसिड सभी तरीके के हमारे पास में बायोमोलिक्यूल्स देन एंजाइम काइनेटिक्स आपको पढ़नी होगी स्ट्रक्चर एंड ऑफ़ मेजर प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लाइक एल्कलॉइड्स टर्पीन्स फिनाइल प्रोपेनॉइड्स फ्लेवेनॉइड्स

और जीन लेवल पर आप देखेंगे कि किस तरीके से ये सभी टॉपिक्स जो है ये किस तरीके से ये सभी जो हमारे पास में सिलेबस का पार्ट है ये हमारे एक्चुअल में प्लांट लाइफ के अंदर कैसे इंपॉर्टेंट रहता है तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन डिवीजन आप पढ़ेंगे सेल सेल साइकिल प्रिंसिपल्स ऑफ मेंडलिज्म इनहेरिटेंस लिंकेज रिकॉम्बिनेशन देन द जेनेटिक मैपिंग एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस जिसमें आपके इंट्रोडक्शन टू एपिजेनेटिक्स आएगा जीन स्लाइसिंग आएगा ट्रांसजेनिक हमारे पास में साइलेंसिंग होगी पोस्ट ट्रांसलिपनल जीन साइलेंसिंग होगी जीन म्यूटेशन एंड रिपेयर देन देर इज दिस क्रोमोजोमल एबिशन लाइक न्यूमेरिकलॉडी इन यूप्लॉयडी देन स्ट्रक्चरल डिशन इनवर्जन डुप्लीकेशन ठीक है ट्रांसलोकेशन ट्रांसपोशन ये सभी तरीके के जेनेटिक न्यूटेशन ये भी आपके uh, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन देन देर आर मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर फंक्शनल जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स जो कि आपके इंट्रोडक्शन टू द देन प्रोटियोमिक्स एंड मेटाबोलोमिक्स देन द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन सिक्स इस सेक्शन सिक्स के अंदर आपका है प्लांट ब्रीडिंग देन जेनेटिक मॉडिफाइड

प्लांट टिश्यू कल्चर ये पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे सेक्शन के अंदर प्लांट टिश्यू कल्चर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन देन द नेक्स्ट टॉपिक हियर इज जीन जीन ट्रांसफर मेथड विचार डायरेक्ट एंड वेक्टर वेक्टरमीडिएटेड जनरेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट देन ये एक रीसेंट ट्रेंड से आपके क्रिस्पर के सी एस नाइन के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली ही डेवलप्ड है ये, मेथड्रीलॉक सिस्टम टू जनरेट काइमेरास प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन देन केमिकल न्यूटाजेंस नेक्स्ट सेक्शन फॉर

dyes gums drugs narcotics economically importance of algae fungi lichen bacteria major indian cash crops the effect of industrialization on agriculture botany such as plastic on fiber economy genetically modified crops and its regulation like bt cotton bt brinjal, brinjal golden rice then the other part is plant pathology

एंडमिजम एंडेमिक स्पीशीज पॉल्यूशन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज स्पीशिएशन एक्सटिंक्शन देन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स, इंडिया के जो हॉटस्पॉट्स है वो एफॉरेस्टेशन हैबिटेट रिस्टोरेशन प्लांट इंट्रैक्शन विद अदर ऑर्गेनिजम्सिट्स पेरासाइट्स एंड एंडोफाइट सो ये सभी पोर्शन अब इकोलॉजी बहुत सी बुक्स है जहां पर इकोलॉजी आप पढ़ सकते हैं बट जब आपके सामने एक प्रॉपर सिलेबस रहता है तो आपको पता होता है कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है बिकॉज आर सेवरल टॉपिक्स यहां पे बहुत से ऐसे टॉपिक है जो सी एस आई आर में नहीं कवर्ड हो रहे हैं। बहुत से ऐसे टॉपिक्स है जो सी एस आर में कवर्ड हो रहे हैं बट यहां नहीं हो रहे सो देर आर देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सिलेबस अगर आप पर्टिकुलर फिक्स होते हैं एक सिलेबस के ऊपर आप पर्टिकुलर तैयारी करते हैं अब चाहते हैं कि आप आईआईटी से ही अपने प्रिपरेशन करना चाहते हैं आई आई से अपनी पीएचडी करना चाहते हैं तो इस सिलेबस को एक पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक टू टॉपिक फॉलो करिए एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस करिए एंड देन उसके साथ में प्रिपरेशन कीजिए एंड फॉर श्योर फॉर श्योर आपका एक अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन होगा गेट में एंड यू विल बी डेफिनेटली क्वालिफाइड फॉर द गेट एग्जामिनेशन तो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग बाय बाय